दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ समय पहले अपने पोर्टफोलियो में तीन इलेक्ट्रिक बाइक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, रोस्टर एक्स, रोस्टर एंड द रोस्टर प्रो। लॉन्चिंग इवेंट काफी अच्छा था, जितने भी मीडिया वाले गए थे काफी लोग इस गाड़ी की तारीफ कर रहे थे, इन तीनों गाड़ियों की तारीफ कर रहे थे, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है तीन गाड़ियां वो काफी काबिले तारीफ है। प्राइसिंग काफी कम से भी है, इवन मिड में देखा जाए तो रोस्टर जो है वो काफी बैलेंस्ड बनाता है, जिसमें आपको अच्छे खासे TFT स्क्रीन मिल जाती है, साथ में आपको अच्छे खासा रेंज मिल जाता है, वो गाड़ी भी काफी तगड़ी है। हालांकि प्रो वेरिएंट जनवरी 2026 से मिलना स्टार्ट होगा, उसके लिए काफी समय है। जो रीसेंट न्यूज है, जो पहली बाइक है रोस्टर, वो बेंगलुरु के रोडों पे देखा गया, ये है वो इमेज, पहली बाइक ओला के तरफ से रोस्टर आफ्टर इवेंट जो रोडों पे देखी गई है। हालांकि इसके टेस्ट चल रही है और ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर मार्च से डिलीवरी स्टार्ट होगी। मैं सरप्राइज था, मेरे को लगा रोस्टर एक्स पहले देखने को मिलेगा, बट थिंग इज दैट रोस्टर देखने को मिल रहा है पहले, जिसमें आपको तीन मॉडल देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,04,999 एंड गोस अप टू 1,39,999 रुपीस। ये रोस्टर के वेरिएंट्स के प्राइस है। इसमें तीन मॉडल आते हैं, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक। और इसमें मोटर रोस्टर एक्स की कंपेयर में थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको 11 किलोवाट का मोटर मिलता है, इसमें 13 किलोवाट का मोटर मिलता है, जिस कारणवश इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी बढ़ जाती है। हालांकि 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक में आपको मैक्सिमम 116 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलने वाली है, एंड वही अगर 4.5 या 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 126 किलोमीटर की आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर रेंज की, तो यहाँ पर 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 151 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 190 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और जो 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक है उसके साथ आपको 248 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। ये IDC रेंज है, बट द थिंग इज दैट 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ गिरी से गिरी हालत में भी आपको 180 की रेंज मिलने वाली है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। 7 इंच का TFT स्क्रीन है और यहाँ पे मूव OS 5 भी है, जो कि बेसिकली मोटरसाइकिल के बेस्ड होने वाला है। बहुत सारे फीचर्स इसमें एनेबल हो जाएंगे जो आपको स्कूटर में देखने को नहीं मिलते, वो सारे फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स जो बाइक के लिए डेवलप किए जा रहे हैं वो सारी चीज देखने को मिलने वाली है। प्राइसिंग आपको मैं बता चुका हूं, 1,04,999 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते तो 1,19,999 और 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते तो 1,39,999। और यहां पे आपको तीनों ही गाड़ी में आपको चार राइडिंग मोड्स मिलते हैं। यस, चार राइडिंग मोड्स, क्योंकि यहां पर रोस्टर एक्स में सिर्फ तीन राइडिंग मोड्स है, बट इसमें आपको हाइपर मोड कोई भी वेरिएंट में मिलेगा, मतलब जो भी आपको वेरिएंट लेना है, चाहे वो 3.5, 4.5 या 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक, आपको तीनों में ही चारों मोड मिलने वाले हैं। अगर आपको इस गाड़ी को रिजर्व करना है तो 999 सब कर सकते हैं, एंड कंपनी की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट आ चुका है कि भैया वो आफ्टर सेल सर्विस पे भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपनी टीम डेवलप कर चुके हैं। तो लेट्स सी विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर इसका रिजल्ट भी हमको जल्दी से जल्दी देखने को मिले, होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है ओला के साथ वो तो देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।